अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही जबरदस्त छोले बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल इसका टेस्ट होगा और बनाने का तरीका बेहद आसान होगा। इसको बनाने के लिए कोई रेडीमेड मसाला नहीं चाहिए होगा। सिंपली घर के मसालों से ही बेहतरीन छोले आप बनाकर तैयार कर लेंगे। बेहद आसान तरीका है और बहुत ही टेस्टी छोले बनते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए आइए हम छोला बनाने के लिए होममेड मसाले तैयार कर लेते हैं। आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून कसूरी मेथी, आधा टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून है खड़ा धनिया और ये है जावित्री का टुकड़ा, दो समूची लाल मिर्च, दो इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 4 से 5 लौंग। तो इसको हम एक पैन में ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हमने ये पैन चढ़ा दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है और ये गरम भी हो गया है। तो इसमें हम डालते हैं सारे मसाले, ये सफ़ेद ज़ीरा और ये कसूरी मेथी, ये जावित्री और ये काली मिर्च, खड़ा धनिया और ये सौंफ और ये दालचीनी का टुकड़ा 2 इंच का और लौंग। ये सब हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हमको इनको ज़्यादा डार्क नहीं भूनना है, इनका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म करना है। तो अब हम ये पहले नहीं डाले थे, अब हम ये लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। ये देखिए, और हमको इनको मिक्सी के जार में डाल के फाइन पाउडर बनाना है। ये देखिए, फाइनली ये पाउडर तैयार हो गया है हमारा छोले का होममेड और बहुत ही खुशबूदार। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। हमने ये पैन चढ़ा दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। पानी को खोलने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चाय पत्ती और इसको 2 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, चाय पत्ती हमारी उबल गई है और फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। अब हमने यहाँ पे छोले लिए हैं 2 कप और 2 कप छोले हमने रात में भिगा दिए थे तो ओवरनाइट सोख हो चुके हैं हमारे ये छोले। ये देखिए, अच्छे से भीग गए हैं। और अगर आप नहीं ओवरनाइट सोख कर पा रहे हैं तो आप दिन में 4 से 5 घंटे भिगा दीजिए पानी में, तो भीग जाएंगे ये। और हम इसमें अब डालेंगे 1 आलू। तो ये मैं इसी में आलू छील के अब ये डाल रही हूँ और चलती हूँ प्रेशर कुकर में इसको ट्रांसफ़र करने। और अब मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर रख दी हूँ और मैं यहाँ पे ये छोले ट्रांसफ़र करूँगी और इसमें जो कच्चा आलू था इसको भी इसी में रख दूँगी। ये देखिए, और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून नमक और ये 3 से 4 लौंग और ये काली इलायची 1 और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। और जो मैंने चाय पत्ती बॉयल की थी तो उसको भी इसे मैं छान दूंगी। आप चाहें तो इसमें टी बैग भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें डालूंगी अब तकरीबन 3 कप पानी हाई फ्लेम पे करके और इसके लिड लगा देंगी। 1 सीटी लगने के बाद इसको हम मीडियम आंच पे कर देंगे और 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। और इधर मैंने लार्ज साइज़ का प्याज लिया है और इसको फाइन पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, प्याज का हमारे पेस्ट तैयार हो गया है। हमने ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिया है और इनको ख्याल रहे कि थोड़ा सा रेड कलर के हों टमाटर, पके हों, और इनको भी मैं इसी जार में फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये लीजिए जनाब, हमारे टमाटरों का पेस्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ हम चढ़ा देते हैं पैन अपना और फ्लेम को ऑन कर देते हैं और छोले मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप सरसों का तेल और आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 हींग। तेल को जरा सा गर्म कर लीजिएगा। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये जब अच्छे से क्रकल हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने प्याज पीसी थी, ये हमको प्याज इसमें डाल देना है। अब यहाँ पे हम प्याज को 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका मिठास जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ये अपना रंग बदलने लगा है प्याज,
तो इसमें हम डालेंगे अब भर के 2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये हम थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हमने ये मसाले भून लिए हैं। अब ये मसाले भून गए हैं और इसमें हम 2 मीडियम साइज़ का जो टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था ये इसमें हम डाल देंगे और इसको हम भून लेंगे। तब तक भूनेंगे कि जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता टमाटरों का और सरफेस पे अब तेल आ नहीं जाता, तब तक हम इसको भून लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक हमने इन मसालों को भून लिया है और हमारे ये मसाले भून गए हैं और जो हमने छोला का मसाला बनाया हुआ था पाउडर फार्म में तो वो स्पेशल मसाला अब हम इसको डाल देंगे इसी में, छोले मसाला, और डाल के इसको इसी में भूनेंगे। और छोले में हमने नमक डाला था, ख्याल रखिएगा, तो उसी के हिसाब से हमको इसमें नमक डालना है 1 टीस्पून। इसको डाल के अब हम भून लेंगे। तो ये देखिए इतनी खुशबू, भीनी भीनी सी प्यारी प्यारी सी खुशबू इन मसालों से आ रही है जो होममेड मसाले हमने बनाए हैं। तो जो ढाबे में हम लोग खाते हैं छोले, तो ढाबे में यही खुशबू, सेम यही खुशबू आती है। तो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसको हम यहीं पे साइड पे कर देते हैं इस पैन को और देखते हैं अब छोले। तो हम अपने छोले देख लेते हैं, खुद से इसका प्रेशर निकल गया है तो देखते हैं खोल के इसको। ये देखिए हम, ये देखिए ये गल चुका है, ये गल गया है। तो यहाँ पे हम इस आलू को, जो हमने छील के आलू डाला था, इस आलू को हम निकाल लेंगे। अब हमें ये करना है कि इन मसालों में हमें छोलों को डाल देना है। ये छोले हमने इसमें डाल दिए हैं तो हमने जो आलू निकाला था उसको मैश करके डालना है। ये आलू को हम इसी से मैश कर लेंगे और मैश करके उसी छोले में हमको इसको डाल देना है। अब इस आलू को हमने मैश कर लिया है और इसको इसमें हम मिला देंगे। ये देखिए तो ये जो हमारी ग्रेवी थी, हमने ग्रेवी में दोनों चीज़ों को डाल दिया है और हम इसको अब 4 से 5 मिनट में भून लेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको भून डाला था और हमने इसमें पानी वही डाला है जो छोलों का पानी था, तो अलग से पानी नहीं डाला है। और आप ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा। और अब हम इसको ढक देंगे, अपनी लिड इसमें ढक देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे पकने के लिए। हाई फ्लेम पे हमने कर दिया था, एक उबाल आ गई थी इसमें, और मीडियम आंच पे कर दिया था 7 से 8 मिनट के लिए। अब ये पक गया है, लीड हटा कर देखते हैं हम। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। 7 से 8 मिनट धीमी आंच पे पक गया है और ये सारे खुशबू मसाले छोले के और ये छोले, इसमें जो एक आलू पड़ा है, सब इसी में जज्ब हो गए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, ये देखिए। और ये तैयार हो गया है माशाल्लाह। और चलते हैं इसके एक तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए 1 टेबल स्पून हम इसमें घी डाल देते हैं और इसमें डालेंगे जुलियन कटी हुई अदरक और इसमें हम डाल देंगे देते हैं 3 से 4 बीज से कटी हुई हरी मिर्च, ये देखिए। और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे अब और लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ये हम इसमें तड़का लगा देंगे। तो लास्ट में जब तड़का लगता है तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं आप कितना लजीज देखने में लगता है, तो खाने में मुंह में घुल जाने वाली डिश होगी ये इंशाल्लाह। तो घर के कितने सिंपल मसालों से ढाबा स्टाइल छोले बनके तैयार हो गए झटपट। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।